तो भाई अभी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये है कोटिलिंगेश्वरा। कोटिलिंगेश्वरा जाने के लिए सबसे पहले तो मैं मेट्रो लिया। मेट्रो से मैं मैजेस्टिक गया। मैजेस्टिक जाने के बाद से मैं क्रांतिवीर संगोल्ली रायना को गया। फिर वहाँ से ट्रेन लिया, लोकल ट्रेन। लोकल ट्रेन से मैं बंगारपेट को गया। बंगारपेट पहुँचते ही वहाँ से बस लेके मैं कोटिलिंगेश्वरा के गेट पर गया। गेट पर जाने के बाद से टिकट लिया, टिकट लेके लाइन में लगा और फिर अंदर जाके देखा तो बहुत सारे शिवलिंग थे। और ये फर्स्ट वीडियो है। वहाँ जाने के बाद से मैं धीरे धीरे करके अंदर जाते गया। अंदर जाते जाते बीच में बहुत सारे टेंपल आते हैं। शुरू में तो मुझे नहीं लगता है कि उतना ज़्यादा शिवलिंग है, लेकिन देखने के बाद से फिर लगने लगता है कि 1 करोड़ शिवलिंग होगा। फिर अंदर 2-3 टेंपल आता है। 2-3 टेंपल के रास्ते में भी पूरे रास्ते भर पूरे के पूरा शिवलिंग ही रहते हैं। शिवलिंग को देखने के बाद से मैं कुछ और देर और अंदर जाता हूँ। अंदर बहुत अच्छा खूबसूरत सा प्लेस आता है और ये रास्ते में थोड़ा सा मुझे नंदी का दर्शन होता है। फिर साइड में देखने के बाद मुझे बड़ा सा एक शिवलिंग देखता है। फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो बना के फिर अंदर जाता हूँ और अंदर जाके अपना माइक ओपन कर देता हूँ। तो भाई अभी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये है कोटिलिंगेश्वरा, जो कि बैंगलोर से 100 किलोमीटर्स लगभग 100 आता है। और यहाँ पे बोला जाता है कि 1 करोड़ शिवलिंग है। और ये जो पीछे जो शिवलिंगा देख रहे हैं ये 108 फीट है, 108। और यहाँ पे देखो बस बहुत सारे शिवलिंग है, बस शिवलिंग इतना ज़्यादा कि एंट्री से लेके यहाँ तक बस शिवलिंग ही शिवलिंग है। इधर भी पूरा फुल ऑफ शिवलिंग है। और ये हाथी, हाथी फिर से कहीं बड़ा बड़ा शिवलिंग है कहीं छोटा है। जब मैं एंट्री के टाइम आया था तो मुझे विश्वास नहीं हुआ था कि इतना सारा शिवलिंग होगा, लेकिन फिर धीरे धीरे आने के बाद आते आते फिर लगा कि हाँ बहुत ज़्यादा है। और मीन्स क्या बोलूँ, बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैंने सुना था कि 1 करोड़ शिवलिंग है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर मैं बेंगलोर से आया, मैं ट्रेन से आया हूँ। और फिर जब मैं गेट से एंट्री कर रहा था तो उतना मुझे नहीं लग रहा था कि इतना सारा किधर है, क्योंकि एक दूसरा उधर है, उधर बहुत सारे ये करके है, मतलब डिपार्टमेंट टाइप का, उधर भी टेंपल है फिर शिवलिंग है। लेकिन इधर पूरा का पूरा शिवलिंग है। इधर आने के बाद लग रहा है कि हाँ पूरा का पूरा शिवलिंग से ही भरा है। वो पीछे मेरे वो छोटा है और बड़ा वाला शिवलिंग इधर है, इधर नहीं, सॉरी बाई मिस्टेक, वो उधर है। अभी पेड़ है वहाँ पे, इसलिए नहीं दिखाई दे रहा। मैं तो यही सोचता हूँ यार कि ये लोग बनाए कैसे होंगे इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा टाइम लगा होगा सच में। अभी इधर से क्लियर नहीं दिख रहा है आपको। ये रहा मेन जो शिवलिंग है, यहाँ पे सब लोग फ़ोटो खिंचाते हैं। और इसके सामने उधर नंदी, और वहाँ पे एक त्रिशूल करके है, यहाँ पे वहाँ पे सब लोग फ़ोटो लेते हैं और वीडियो बनाते हैं सब लोग। मैं सोचा कि कहाँ जाऊँ बैंगलोर से, हालांकि बहुत जगह मैं घूम चुका हूँ, लेकिन आज मन किया इधर आने को। अभी ये जो आप देख रहे हैं नंदी, और इनके सामने सीधे शिवलिंग, ठीक। कभी कभी तो मैं ही सोचता हूँ कि ये लोग कैसे बनाए होंगे इतना, हालांकि हो सकता है मशीन से बनाए होंगे, लेकिन इतना सारा वो भी काउंट करके बहुत मुश्किल। और वैसे भी मेरे ख्याल से आई थिंक कर्नाटका में सब कुछ है। मैं बहुत सारा प्लेस घूमा हूँ कर्नाटका में, जैसे कि यहाँ पे, फिर से मैसूर भी, बहुत सारा जगह है, लेकिन कर्नाटका सच में बहुत अच्छा है। ये जो है ये मेन शिवलिंग है, और उस उधर नंदी जो कि आप उधर से देख सकते हैं, शायद आप अब दिख रहा होगा, ठीक है। और मेरे दोस्त मुझे छोड़ के जा रहे हैं। और ये जो है ये सब टेंपल है, इधर से टेंपल आता है और इधर से एंट्री होता है, एंट्री आते टाइम वहाँ से हमारा एंट्री होता है साइड से, फिर साइड से आके इधर आना होता है।
मेन शिवलिंगा के बाद से ये एक और लिंगा है जो कि बहुत सारा मीन्स कंपेयर टू उसके छोटा है, लेकिन ये भी अच्छा है बहुत। फिर उधर से जाते हैं, उधर भी शिवलिंग है, और फिर इधर से एग्जिट एक शिवलिंगा इधर भी है। इधर ये शिवलिंग और इधर नंदी, ये अपोजिट साइड में है, लेकिन पर ये कंपेयर टू उसके बहुत छोटा लग रहा है इससे। ये पूरा का पूरा एग्जिट के टाइम पूरा मार्केट है, सब कुछ लोग कन्नड़ा में बोल रहे हैं सब लोग। तो अभी मैं एग्जिट कर चुका हूँ और ये देख सकते हैं पूरा मार्केट भरा पड़ा है, लोग भी बहुत सारा है, और इसी में मैं बना रहा वीडियो। ठीक है, देखते रहिए। तो गाइस यहाँ पे घूमने के बाद मैं ट्रेन के लिए निकल जाता हूँ, बस से 20 रुपये लगते हैं, फिर बंगारपेट आके फिर हमारी ट्रेन आती है, लोकल ट्रेन। और लोकल ट्रेन आने के बाद से हम लोग आराम से बेंगलोर के लिए निकल जाते हैं। हालांकि हम लोग तो गेट पे ही बैठ के निकल जाते हैं कैसे भी, लेकिन मज़ा बहुत आया उधर, और फिर बेंगलोर को हम लोग आ जाते हैं।